बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली शिकरी और मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सल हेल्थ इसमें आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज एक और मुफीद वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अंडे के हवाले से। आप सभी जानते हैं कि अंडा विटामिन और प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है। वो लोग जो रोज़ाना सुबह नाश्ते में अंडे को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, उन लोगों की सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। वो लोग जो हमेशा अंडा इस्तेमाल करते हैं सुबह नाश्ते में, उन लोगों के आँखों की बिनाई हमेशा कायम रहती है और उनको नज़र का ऐनक पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग जो अंडे का इस्तेमाल करते हैं, उनकी दिमागी सलाहियत दूसरे लोगों की निस्बत बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग जो अंडे का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके मसल्स गेन होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो लोग जो अपने मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, वो अंडे का इस्तेमाल करें तो उनके मसल्स बढ़ सकते हैं। चौथे नंबर पर जो लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं, वो अपना वज़न बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि अंडे के इस्तेमाल से ना तो आपका वज़न ज़्यादा होगा और ना वज़न कम, बल्कि आपका वज़न हमेशा बरकरार रहेगा। और जो लोग कैंसर के वजह से बहुत खौफज़दा है, अंडे के इस्तेमाल से उनके अंदर कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंडे के इस्तेमाल से इन तमाम फ़वाद आपको हासिल हो सकते हैं। तो अगर आप अंडा इस्तेमाल नहीं करते तो आजकल सर्दियों का वैसे भी दौर है, अंडा हमेशा अपनी सुबह नाश्ते में, चाहे वो आमलेट बनाकर आप खा लें या उबाल कर खा लें, लेकिन अंडे का इस्तेमाल अपने ग़िज़ा में इसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है और इसके अंदर विटामिन और प्रोटीन का बेबहा ख़जाना मौजूद है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपनी मोहब्बत का इजहार सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल को कर दें, ताकि मुफीद वीडियोज़ का सिलसिला आप तक जारी रहे। अल्लाह हाफिज़।